इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे इंशाल्लाह। मियांवाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राणा सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्ला खान नियाजी, और अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है या जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं, मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं नियाजी हूं। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। पाकिस्तान, तो मेरे मियांवाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, और यहां के मीर जाफर और मीर सादकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमरीकनों ने वहां से बैठ के यहां के मीर जाफर और मीर सागत उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने एक वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकक्रप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने, चोरी कर करके बैरून मुल्क पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। ये वो लोग थे जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मकलूज कर रहे थे। जो ये चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी, तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। हम तो सिर्फ ऊपर वाले की गुलामी करते हैं। हम वो कौम है, जब ये बनने लगी थी तो मियांवाली के लोगों मुझे बताओ कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं, हम हैं
सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमारे नबी ने